Ya Ali Madad. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 200, recorded by Mehendi Momin. कल की आवाज के बाद
मैंने वादा किया था कि मैं कल की वाज में यानी आज की वाज में इबादत के उन आदमियों के लिए कि जिनके पास पाकिस्तान की बंदगी है मैं जिक्र करूंगा, और इसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि इबादत के मुसाफरी में इंसान को बाज दफा डरावनी चीजें भी मिलती हैं, इंसान को बाज दफा ऐसी हालत भी हो जाती है कि इबादत करने से उसका दिल उठ जाता है, ऐसी हालत भी होती है कि इंसान में सुस्ती और गफलत पैदा होती है, लेकिन इन सब चीजों के साथ लड़ाई करके, इन सब चीजों को सहन करके, इन सब बातों का अपने पहले से ध्यान रख के मन में जो इंसान आगे चलेगा तो उस आदमी के लिए कोई तकलीफ की बात नहीं। बात इंसान को शैतान के नड़ने की है कि शैतान उसको रास्ते में तकलीफ देता है, और वो तकलीफें किस तरह की होती हैं मैं आज इसका भी जिक्र करता हूँ। जिन आदमियों के पास महज बोल है साथ साथ की बंदगी नहीं, जैसे कि तीन दिन पहले इमाम ने यहाँ के रूहानी बच्चों को अता किया, लेकिन कभी कभी इमाम हमको ऐसी बख्शिश भी देता है कि जो जरा वजनदार होती है, और ये वजनदार बख्शिश में सास सास की बंदगी है। जिन भाई बहनों के पास सास सास का जिक्र है उनके लिए ये जरूरी है। तो थोड़ी सी चीजें ध्यान करें। एक छोटा बच्चा 2-3 महीने का, वो जब इचित सोया होता है आप उसको देखो कि वो सांस कैसे लेता है। कुदरती नेचुरल हालत, उस बच्चे को देखो तो उसके फेफड़े उसका पेट दोनों ऊपर नीचे होते हैं, ये कुदरती हालत है। क्योंकि बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है, 2-4 महीने की उम्र हुई है, तो उसको सब कुछ कुदरती हालत में है। हम जब बड़े होते हैं तो हमारे कपड़े पहनने का ढंग, हमारे बैठने का स्टाइल, हमारा खड़े होने का स्टाइल, इन सब चीजों से हमारे सांस लेने के अंदर फर्क पैदा होता है। औरतों को जब बच्चा होता है तो पेट वजनदार होने की वजह से जो भाई आदमी हैं उनका सांस फेफड़े के ऊपर ऊपर चलता है, यानी हमारे फेफड़े कंप्लीटली नहीं फुलाए जाते। मोस्टली आदमी जितने भी हैं वो 20-25 या 30% सांस लेते हैं, 60-70% सांस नहीं लेते। बहुत थोड़े आदमी हैं कि जो आदमी एक्सरसाइज करते हैं, और ऐसी एक्सरसाइज के जो जरा सख्त किस्म की है, मिसाल के तौर पे दौड़ना जो एथलेट्स करते हैं, या वो बच्चे जो जवान बच्चे के जो फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, या वो पहलवानी करते हैं, तो वो तकरीबन 60-70% जितना सांस खींचते हैं, खास करके जब वो आदमी एक्सरसाइज करते हैं। आम लोग जब सांस लेते हैं तो फेफड़े के नीचे का हिस्सा, ऊपर का नहीं नीचे का हिस्सा होता है, और ज्यादा लोग पेट से सांस लेते हैं। पेट में और फेफड़े के बीच में एक डायफ्राम है, एक पर्दा है, इस पर्दे के ऊपर हार्ट है, और फिर आजू बाजू में फेफड़ा है, पर्दे के नीचे लिवर है, और हमारे आंकड़े और खाने की कोठड़ी है। ये जो हमारी एनाटॉमी है, हमारे शरीर के अंदर जो खुदा ने बनाया है,
उसकी स्टडी करना भी इबादत के लिए जरूरी है। अगर आपको सचमुच इबादत की चीजों में बहुत रस है तो ये चीजें आपको फिर सदरदीन माँ बाप की गिरबावली में मिलेंगी। गिरबावली बहुत मुश्किल चौपड़ी है, मगर इन सब चीजों का, शरीर के अवयवियों का, अंदर के हमारे अंदर जो कुछ भी खुदा ने रखा है, आंत भी है, लीवर है, किली है, हार्ट है, फिफ्थ है, फिर भी सदरदीन ने इन चीजों का रूहानी मतलब बताया है। योग की बातों के अंदर हमें जाने की जरूरत नहीं। योग अभ्यास आज की दुनिया में हमारे लिए, इस्माइलियों के लिए पॉसिबल नहीं। बहुत बरस हुए वो चीज हमने छोड़ दी। मिशनरी कारा रूड़ा योग की विद्या लेके और इस तरीके की इबादत में ऊपर पहुंचे थे। एक दिन मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन आबाद आने वाले थे। मौला ने टेलीफोन करवाया कि मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ा लेट आऊंगा। मौला के आने से बहुत पहले, आपको मालूम है, लोग चले आते हैं, कोई दो घंटे पहले आता है, कोई चार घंटे पहले आता है। तो मौला के आने से पहले करारूढ़ा मिशनरी हसनाबाद के पड़थार के ऊपर बैठे हुए 25-50 आदमी उनके आजू बाजू में बैठे थे। सब्दली मिशनरी उधर आए और उनको जब पता लगा कि हजरत इमाम को आने में काफी देरी है तो जरा इधर उधर देखते देखते नजर पहुंची कि उधर पड़थार पे बहुत आदमी बैठे हैं। मिशनरी कब्जली जब भी पड़थार पे गए तो कारारूढ़ा मिशनरी को देखा, दोनों सिंह थे अपने जमाने के। वहां जाके बैठे तो कारारूढ़ा मिशनरी आसन लगाने का, नाभि कमर से श्वास लेने का, दसवें द्वार तक पहुंचने के रास्ते का जिक्र करते थे। मिशनरी सब्जली सुनते रहे। जब भी वो बयान कर चुके तो सब्जली मिशनरी ने कहा, ए दोस्त, सब्जली मिशनरी बहुत जोली थे और कारारूढ़ा गंभीर थे। मिशनरी सब्जली बात बात में हंसे और कारारूढ़ा जो थे वो हंसी को पसंद नहीं करते थे। वो तो हर वक्त आंखें नीची रख के अपनी बंदगी में मशगूल रहते थे। कारारूढ़ा का दर्जा क्या था, मैं आपको जिक्र करूं कि इमाम ने उसकी इबादत बंद करवाई थी। हमको इमाम फरमान फरमाता है कि इबादत करो, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसकी इबादत बंद करवाई थी। इसलिए बंद करवाई कि उसकी मौला फरमाया, तेरी इबादत इतनी बढ़ गई है कि अगर तू अब ज्यादा इबादत करेगा तो जिंदगी के अंदर इंसान की इतनी शक्ति नहीं कि उसको सहन कर सके। मौला फरमाया, तेरी इबादत तेरी पोते की शक्ति से ज्यादा हो गई है। जब वो गुजर गया तो इमाम फरमाया, कारारूढ़ा दुनिया में रहता था लेकिन उसको चौथे आसमान की खबर थी। तो उसकी बात पूरी हुई, सब्जली कहते हैं, ए छद छद, जोली आदमी थे, दोस्त थे, तो कहते छद छद, ये चीजों तुझे माते आई, इन्हीं माते नहीं। तो उसको बोलता है कि ये चीजें जो मेरे लिए हैं तो इनके लिए भी क्यों ना हो सके। यहां इन दोनों की आपस में डिबेट शुरू हुई। सब्जली का कहना यह था कि आज के जमाने में इमाम है, उसने बख्शीश दी है, तेरे जितनी शक्ति वाले सब नहीं हैं। हम लोग तो छोटे बच्चे की तरह कमजोर हैं, दादर नहीं चढ़ सकते, तो इमाम हमको उठा के ऊपर ले जाता है। छोटा बच्चा चलते चलते थक जावे तो क्या करता है, फिर माता पिता उठाते हैं उसको। ये बातें इनकी आपस में झगड़े की, झगड़ा क्या, मीठी डिबेट होती थी। मैंने आपको कहा दोनों दीन के सिंह थे,
विसल हुई, सफदरली मिशनरी आ गए इधर दरवाजे पे, काला लुगा उठ के मेहमानी में बैठे। मौला आया, पहली ही मेहमानी हसनाबाद की जमात की थी, बैतुल ख्याल की। माँ बाप ने दुआ थी फरमाई, हाजिर इमाम जरा चुप हुए तो साहब ने सफदरली को जिक्र किया कि खुदावंद आपको आने में थोड़ी देरी हुई, मैं और कारा लूड़ा हम लोग बातें करते थे इबादत की। अच्छा, माँ बाप को भी बड़ा रस आया। कारा लूड़ा क्या बात है? कि खुदावंद मैं इन लोगों को इबादत के ढंग सिखाता था और सफदरली ने आके कहा कि ये चीजों की जरूरत नहीं, अभी तो ऐसी बात है कि हम कमजोर हैं, हमको इमाम बख्शिश देता है और उसकी बख्शिश ये है कि वो उठा के ऊपर ले जाता है। कारा लूड़ा सच बात है, तेरे जैसी शक्ति वाले आदमी हजार बरस में कोई एक होता है, तेरे जैसी शक्ति नहीं है किसी की। हम आज हमने बिजली की लिफ्ट बनाई है, आज हमारी बख्शीश जो है वो लिफ्ट जैसी है कि तुम लिफ्ट में बैठो, चांप दबाओ तो तुम साथ में आसमान पे जाओगे। तुम्हारा रास्ता है वो दादर चढ़ने का रास्ता है, उसमें ताकत वाला आदमी चाहिए। इबादत के अंदर हमें ताकत की जरूरत जरूर है, रूहानी ताकत की भी, शारीरिक ताकत की भी। मैं काला रूड़ा का रास्ता नहीं सिखा सकता और उसकी आज के जमाने में जरूरत भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत ऐसी चीजें हैं कि हमें जिसका ख्याल करना चाहिए। मैं आपके पास सांस लेने की बात करता था और काला रूड़ा मिशनरी थे जिन्होंने गिर बावली का ट्रांसलेशन किया और अंदर की सब चीजों का खुलासा करवाया, तो मैं आपको सांस लेने की हालत बयान करता था कि जस्ती लोग फेफड़े के आधे ऊपर ऊपर के हिस्से से सांस लेते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि फेफड़े के आधे नीचे के हिस्से से सांस लेते हैं, लेकिन जैसे उम्र बड़ी हो जाती है और आदमी के बैठने का, कपड़े पहनने का, चलने फिरने का जो ढंग है उससे फिर क्या होता है कि मेजोरिटी लोग पेट से सांस लेते हैं, पेट ऊंचा नीचा होता है, फेफड़े उदरज रहते हैं। इबादत में उनके लिए कि जिनके खुदावंद हाजर इमाम ने सांस सांस की बंदगी दी है उसके लिए ये बात है, क्योंकि गई कल मैं बोल चुका हूं कि जिनके पास सांस सांस की बंदगी नहीं उनको तो आराम से बैठने की बात है, वो नॉर्मल सांस लेते हैं ऐसा ही लेना। सीधे बैठो, अपनी पीठ को बिल्कुल सीधा करो और जितना ऊंचा कर सकते हो इस तरह ऊंचे बैठो और इस तरह से श्वास लो कि पेट और फेफड़े दोनों बाहर निकलें, अंदर जावें। जैसे कि उस छोटे बच्चे की मैंने स्टोरी समझाई कि छोटे बच्चे को देखो तो फेफड़े और पेट उसका सारा टोर्सो ऊंचा नीचा होता है, इस तरह से ऊंगा सांस लो, डीप ब्रीदिंग करो। इबादत में बैठने से पहले एक आध मिनट की अपने मन में हाथ उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंखें अभी बंद हो रही हैं, सब लोग इबादत में बैठे हैं। ये बात आप इबादत शुरू करने से पहले, बत्ती बुझने से पहले भी कर सकते हो, दिल में हाजर इमाम की हुजूर में एक आध मिनट की दुआ मांगो, अपने गुनाहों की माफी मांगो, मौला की बख्शीश और रहमत की आजिजी करो, मौला को हाथ पकड़ने के लिए आजिजी करो। या मौला, तेरे को पता है मैं बहुत कमजोर हूं, मैं तेरी शरण में आया हूं, इबादत का रास्ता मुझे मालूम नहीं मगर तेरे शरण में आया हूं, तू मुझे अंदर से प्रेरणा दे, मेरा हाथ पकड़, मेरे ऊपर रहमत कर, मुझ पर राजी हो। इस तरह एक आध मिनट की दुआ मांगो
और फिर इबादत पे बैठो। पहले एक आध मिनट इसी तरह से जाप का रटन करो, एक आध मिनट जाप का जरा थोड़ी सी स्पीड के साथ रटन करके आप फिर डीप ब्रीदिंग करो, ऊंडा सांस लो। जब पूरा सांस ले लो, 5-10 सेकंड सांस को रोको। हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं फौरन सांस उतारते हैं उसको, फिर हम सांस लेते हैं फौरन बाहर निकलता है, लेकिन इन दो सांस के बीच में जरा सा ठहरो, सांस को पकड़ो। मैं वापस रिपीट करता हूं कि मिसअंडरस्टैंडिंग न होवे, इसलिए ये तरीका सिर्फ उनके लिए है कि जिनको इमाम ने सासु सास की बंदगी दी है, दूसरे के लिए नहीं। दूसरे के लिए गई काल में बोल चुका हूं। जरा सा सांस को रोको, फिर सांस छोड़ो, और जब ये सांस लो तभी अपना जाप करो, कंप्लीट जाप। या अली, जरा ठहरो, फिर जब ये सांस निकालो तो जिस स्पीड से सांस लिया था उसी स्पीड से सांस नीचे बाहर निकालो, और फिर अपने जाप जपो या अली। यहां फिर जरा ठहरो, हर एक सांस के बीच में सांस ऊपर जावे यानी अंदर जावे जरा ठहरो, बाहर निकले तो भी जरा ठहरो। ये वो मकाम है, तिया सर धरी है सुरती नू ध्यान सातो मारी रे। सांस को मारो जरा सा, बहुत ज्यादा नहीं। हमें प्राणायाम नहीं करना। प्राणायाम में क्या डिफरेंस है, ऐसा ही डीप ब्रीदिंग करते हैं और सांस को रोकते हैं जितना रुक सके। यहां तक के आधी आधी कलाक तक आदमी सांस को रोक के प्राणायाम में बैठा होता है। हमको प्राणायाम नहीं करना, हमारा वो तरीका नहीं है। सांस अंदर लो, जरा सा ठहरो 1-2 सेकंड, वापस सांस निकालो, थोड़ा सा ठहरो, ये प्रैक्टिस चालू रखो। क्या होएगा कि शुरुआत में ये प्रैक्टिस करने से 1-2 मिनट के अंदर अंदर श्वास चढ़ेगा। आदत नहीं है ना, शुरुआत में ऐसा करने से 1-2 मिनट में श्वास चढ़ जाएगा। तो जब ये श्वास चढ़े अपने आप को ढीला छोड़ दो, और जिस तरह नॉर्मल सांस लेते हैं ऐसा नॉर्मल सांस लो। जब ये ठीक हो जाए वापस ये प्रैक्टिस चालू करो, फिर जब ये सांस चढ़ जाए फिर इसको छोड़ दो। लेकिन हर दफा जब ये आप प्रैक्टिस करो तो डीप ब्रीदिंग के अंदर भी आपका जाप चालू होवे, और जब भी थक जाओ सांस चढ़े इसको छोड़ के नॉर्मल ब्रीदिंग पे आओ, तभी भी जाप तो चालू रखो। इस तरह से ये जो प्रैक्टिस है हर रोज करते रहो, 1 क्लास इस प्रैक्टिस को चालू रखो। शुरुआत के 1 क्लास ज्यादा है, जिसने ये प्रैक्टिस नहीं की उसके लिए शुरुआत में 10 मिनट बहुत है। पहले 10 मिनट इस तरह की प्रैक्टिस करके फिर उसको छोड़ देना चाहिए। 10 मिनट घड़ियाल की तरफ देख के मत करना, घड़ियाल का सेंस हमें रहना ही नहीं चाहिए। ऐसा अंदाजा लगाओ कि अगर 8-5-7 दफा इस तरह की प्रैक्टिस कर दी है तो छोड़ दो, नॉर्मल सांस से अपनी इबादत कलाक पूरी करो। हर रोज ये चीज बढ़ती जाएगी, 10 मिनट के 15 होंगे, 20 मिनट होंगे, तकरीबन 6 महीने लगेंगे, आश्रे 6 महीने, कई आदमी 3 महीने के अंदर भी 20 से 30 मिनट जितना सास उसास की बंदगी सीख सकेंगे। जल्दी की उतावल की कोई जरूरत नहीं।
ऐसा कोई काम नहीं करना कि जिससे हमारे शरीर को थकोरा लगे। इबादत में ये बहुत जरूरी चीज है। टाइम लो, 6 महीने नहीं, भले 12 महीने हो जाए, लेकिन दिन दारो 25 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट जितनी प्रैक्टिस जरूर करो कि आप श्वास लो, जरा सा ठहरो, वापस श्वास निकालो, जरा सा ठहरो, और हर सांस के ऊपर अपने मौला का दिया हुआ जो जाप है उस जाप को जपते रहो। ये साथ-साथ की बंदगी है। जिन आदमियों के पास, जिन भाई बहनों के पास नक्शा है, तो नक्शे की बात ये होती है अब हमें 3 चीजें करनी हैं, मगर बाद में जाके वो चीजें 2 हो जाएंगी और पीछे और ऊपर जाएंगे तो 1 हो जाएगी। सांस सांस लेना है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो हमारा ख्याल श्वास में जाएगा। लेकिन साथ साथ हमें जाप भी जपना है। जब इस सांस सांस की प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर हमारा आखा ख्याल कंप्लीट सेंटर जो है वो जाप होता है। लेकिन जिसके पास नक्शा है उसको नक्शे को सामने रखना है, यहां 2 आंखों के बीच में, यहां कॉन्सेंट्रेशन का मुकाम है। आंखें हमारी बंद होवे, लेकिन हमको यहां देखना है अंदर से। हम जैसे एक उंगली इधर रखें और इस उंगली के टिप को हम आंखों से देखें, ऐसा आंखें बंद करके उंगली रखे बगैर यहां ध्यान लगाओ, यहां नक्शा रखो। इमाम ने जो लिख के दिया है उसको याद करो, और ये नक्शा सामने होवे, सास सास की बंदगी चालू हो गई। 3 चीजें साथ करने की हैं। शुरुआत में हमारा ज्यादा ध्यान सांस लेने में जाएगा। जब ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो सांस लेने में हमें तकलीफ नहीं होगी, आदत हो जाएगी 3-4-6 महीने के अंदर। तो 20 से 30 मिनट हम एकाग्र मन के साथ डीप ब्रीदिंग लेते रहेंगे, ऑटोमेटिकली वो सिलसिला चला जाएगा, जाप और श्वास एक हो जाएगा। फिर हमारा ख्याल उस नक्श की तरफ जाएगा। आप और प्रैक्टिस करोगे तो श्वास और जाप ऑटोमेटिकली जाएगा, उसके साथ वो नक्श भी सामने आएगा। फिर इसके लिए इतनी मेहनत की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसी सहलाई हो जाएगी कि तीनों चीजें ऑटोमेटिकली आप से आप, जैसे ही बत्ती बंद होएगी, जैसे ही आपने दुआ मांग के अपनी इबादत शुरू की, आपकी जो गाड़ी है वो रेल के पटे के ऊपर सेट हो जाएगी। अब वो मुकाम कि जहां आके इंसान को कोई चीज प्राप्त होती है। इबादत में पहली चीज जो आपको आगे बढ़ने की कोई निशानी मिलेगी तो वो ये है कि आपको इबादत करने का दिल होएगा। आपकी इबादत हजर इमाम के दरबार में हर चीज मंजूर है, लेकिन इबादत में आप आगे बढ़ रहे हैं, उसकी पहली निशानी ये है कि इबादत करने के लिए मन होगा, सो जाने का मन नहीं होगा, सुस्ती नहीं रहेगी, सुस्ती निकल जाएगी, पहली निशानी। भले वो आदमी रात को 2 बजे सोया होगा कि 12 बजे सोया होगा, वो 4 बजे उठेगा और 4 बजे उठने के लिए मन की तलब पैदा होगी, उसको नींद प्यारी नहीं रहेगी, ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी यह है कि आदमी जब भी और आगे बढ़ेगा, भले कितनी भी ठंडक होवे और सुबह के 4 बजे गर्मी का सीजन होवे तो भी ठंडक हो जाती है। ये जो टाइम है ये शीतल टाइम है, ठंडा पहर है,
इबादत करने वाले को ये गर्दन के नीचे और अपनी परेशानी के ऊपर छोटा छोटा पसीना होगा। जब भी गर्मी होती है तो गर्मी का जो पसीना आदमी को शारीरिक तौर पे निकलता है वो पसीना बगल में निकलता है। गर्मी लगने से आदमी को पसीना जब होता है तो सबसे पहले बगल में उसको पसीना होता है, फिर गर्दन के आजू बाजू में पसीना होता है, आंखों के नीचे पसीना होता है, नाक के ऊपर पसीना होता है, नाक के नीचे मूंछ पे पसीना होता है। ये गर्मी की निशानी। मगर जो इबादत का पसीना होएगा वो इस तरह नहीं होएगा। इबादत का पसीना आपकी इज्जत थोड़ी के नीचे और पेशानी के ऊपर, ये जगह भीनी हो जाएगी, इतना पसीना नहीं निकलेगा कि रेले छूटे, नहीं, वो पसीना टपकेगा नहीं। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि कभी कभी मेहमानियों में या चिट्ठी बदलाते वक्त पूछा करते थे, तुमने कुछ पाया, तुमको कुछ मिला, कभी पसीना हुआ? तो लोग जिनको मिली थी कोई चीज तो वो कहते थे, हाँ खुदावन मुझको ये हुआ। तो मैंने आपको अर्ज की कि पहली निशानी, इबादत अच्छी हो रही है और पत्ते के ऊपर गाड़ी बराबर है, उसकी पहली निशानी ये है, पहली मौला की बख्शीश ये है कि इबादत करने के लिए आपका दिल चाहेगा। जैसा हमको कोई अपनी प्यारी चीज खाने के लिए मन होता है, जिसको आदत हो जाती है कोई चीज की, मिसाल चाय पीने वाले को जैसे चाय पीने की इच्छा होती, क्रेविंग होती है, तलब होती है, ऐसा इबादत की तलब होगी। दूसरी चीज यह है कि उसको इबादत के अंदर पसीना आएगा। तीसरी चीज यह है कि इबादत के अंदर उसको मजा आएगा। अब वो मजा कैसा है? कोई अच्छा खाना खाने का जो स्वाद होता है ऐसा मजा नहीं, या इंसान को कोई खास चीज की तलब होती है तो वो तलब हासिल करने से उसको जो मजा आता है ऐसा मजा भी नहीं। इस मजे का मैं जिक्र नहीं कर सकता, ये मजा मैं समझा नहीं सकता शब्दों में, लेकिन इंसान को मजा आएगा। जब मजा आएगा, इबादत करने में रस आएगा, तो वो खुशी होएगा। इतना खुश होगा जब इबादत पूरी होने का वक्त होगा ना, तो उसको वो खुशी याद रहेगी। सारा दिन आदमी खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, उसको दुनिया के दुख गम तकलीफ नहीं दे सकेंगे। इबादत करने वाले आदमियों को दुख नहीं मिलता, गम नहीं मिलता, ऐसी बात नहीं। गम और दुख, दुनिया के कोयड़े, दुनिया की चिंता तो नबियों इमामों को भी मिली है, हम इंसान क्या हैं? लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई दुनियावी गम चिंता आएगी भी तो इबादत वाले आदमी के दिल को दुखी नहीं कर सकेगी, दिल को वो चीज असर नहीं करेगी, वो खुश रहेगा। चलता है, होने वाला होगा, वो होएगा, मौला के ऊपर छोड़ देगा और मौला उसके लिए खुद रास्ता करेगा, मौला खुद उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका ढूंढेगा, मौला उसकी मदद करेगा, गैबी मदद मिलेगी, इलाही मदद मिलती है उस आदमी को। ऐसा भी होता है कि इबादत करने वाले आदमी ये इन मंजिलों से एक 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 करके जब ही ऊपर चढ़ेगा तो उसके दिल के अंदर किसी एक दिन, जिस दिन मौला को मंजूर होगा, हजरत इमाम फरमाया, नूर का पाना तुम्हारा हक नहीं,
ऐसा नहीं समझना अभी फरमान किया कि तुमको पानी पीने की इच्छा हुई तो तुमने हाथ लंबा करके जग पड़ा है पानी का, जग उठाया, गिलास में पानी डाल के तुमने पिया, तुम्हारी प्यास मिट गई। हज़रत इमाम फरमाया, नूर तुम्हें इस तरह नहीं मिलेगा कि तुमने जग पकड़ा और पानी पिया, कि तुमने इबादत की और तुमको नूर मिल गया। मौलाना हज़रत इमाम फरमाया कि ये हक तुम्हारा नहीं, ये अल्लाह की खुशी पर है कि तुम्हें कब नूर देवे और किस टाइम से देवे। लेकिन जब भी मौला कोई बख्शीश देगा तो नूर की निशानियों में से इस तरह से हमको पीरों ने इमामों ने फरमाया है और बनता भी है कि किसी आदमी को आहिस्ता आहिस्ता सूर्य निकलता है, अंधेरा दूर होता है, लालास दिखती है, ये जो लाली है ये पीला रंग हो जाएगा, उसके बाद सफेद हो जाएगा, उसके बाद नूर की निशानी आती है। मगर किसी को इमाम की ये बख्शिश भी मिलती है कि उसको एक लाइट जिस तरह अंधेरे में टॉर्च जला के बंद कर दो, ऐसा भी हो जा। मौला की बख्शिश के हजारों तरीके हैं, किसके ऊपर किस तरह राजी होएगा, किसको कभी वो चीज बख्शिश देगा, वो इमाम के हाथ में है। लेकिन एक चीज जरूरी कि जिसको खुदावंद की तरफ से नूर मिलता है उसको पता होता है कि मुझे नूर मिला, उसको इस चीज की समझ होती है और वो कभी भी दूसरे से बात नहीं करता, कभी नहीं। इस चीज को बहुत गंभीर समझ के एक सीक्रेट के तौर पे अपने दिल में रखता है। चार दिन पहले हाजिर इमाम ने जब ही बोल दिए तो मामा फरमाया, ऐसे भी लोग हैं कि जो बोस्टिंग करते हैं, साहब ने इंग्लिश शब्द बोला बोस्टिंग, बोस्टिंग का मतलब डींग मारना, लोगों को कहता फिरे मुझे नूर मिला है, लोगों को यह जताना चाहता है कि मैं आगे बढ़ा हूं। इमाम फरमाया कि डींग मारने वाले लोग भी होते हैं लेकिन तुम डींग मत मारना। जो आदमी अपने अंतर की अनुभव को दूसरों के सामने इस तरह जिक्र करे कि मुझे ये मिला है, तो समझ लेना उसको कुछ नहीं मिला। मिलने वाले लोग बोलते नहीं मगर लोग समझ जाते हैं कि ये कोई आदमी आगे बढ़ा है, खुदा ने इसके ऊपर रहमत की हुई है। वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि मुझे कुछ प्राप्ति हुई है या मुझको ये प्राप्ति हुई है, फखर करके मगरूरी करके जो आदमी बोलता है उसकी इबादत खराब हो जाती है। इबादत में सबसे ज्यादा नुकसानी मगरूर आदमी को है, मगरूरी करने से इबादत चली जाती है, हमारी मेहनत बर्बाद हो जाती है, धनी नाराज हो जाता है, वो चले जाता है फिर नहीं आता, उसको मनाने के लिए बहुत दुख होता है। फिर ये जो इमाम की बख्शिशें हैं, आपको इबादत में जो चीजें प्राप्त होंगी, हजरत इमाम ने दुआ दी है कि आज मैं दुआ करता हूं कि इधर जितने भी बैठे हुए हैं पहले माले पे दूसरे माले पे मेरे रूहानी बच्चे जितने भी बैठे हैं, आज मैं दुआ करता हूं कि तुमको जीवन में एक दफा ये नूर की प्राप्ति जरूर होगी। इमाम की दुआ है और हर रूहानी बच्चे के लिए उसकी दुआ है। मगर मोमिनों, अपनी इबादत की बातों को लोगों से छुपाओ। जितना छुप के इबादत करोगे, जितना अपनी इबादत की बातों को अपने मन में छुपा के रखोगे, उतना आपको फायदा होगा। कभी भी दूसरे से नहीं कहना। हज़रत इमाम बहुत से लोगों की नींदर के अंदर ख्वाब में सपने में आते हैं तो भी किसी से जिक्र नहीं करना। इमाम राजी होता है तो तभी ऐसा होता है। शैतान जो है वो हजर इमाम का स्वरूप नहीं ले सकता, इसलिए नींदर में
हमको जो कुछ भी हजर इमाम के दर्शन होते हैं या सपना आता है तो वो सच्ची बात है, क्योंकि शैतान हजर इमाम का स्वरूप धारण नहीं कर सकता। और अगर हमारे ख्याल हैं तो भी ये ख्याल बरकत वाले हैं, नसीबदार है वो आदमी कि जिसके ख्यालों में हजर इमाम बसता हो गए। कभी हमारे ख्यालों के कारण से हजर इमाम सपने में आया है तो भी आमीन, और हजर इमाम अपनी राजी खुशी से बख्शिश के तौर पे आपको सपने में आया है तो भी आमीन, ये नसीबदारी है, खुश नसीबी है। खुशी हो कि इमाम आपके सपने में आया, मगर आप कभी किसी से कहना नहीं। जो लोग लोगों को कहते हैं कि इमाम मेरे सपने में आया, फिर उसके सपने में इमाम नहीं आता। तो इबादत के खासे में ये चीज पहली है कि इबादत को छुपा के रखो। इबादत में जो कुछ भी मिले किसी से नहीं कहना। अगर कोई ऐसी चीज आई है कि आपको समझ नहीं आई तो मैं उसका एक तरीका बताता हूं। अगर कोई ऐसी चीज आपको प्राप्त हुई इबादत में, ऐसा कोई अनुभव हुआ कि जिस चीज से आप मेरा मुंझा गए कि अब मैं क्या करूं, तो मैं उसका एक तरीका बताता हूं। और वो तरीका ये है कि इबादत हो जाए फिर जमात खाने में के घर पे के कहीं, लेकिन खास तौर पे इबादत करने से पहले जमात खाने में होवे तो ज्यादा अच्छा। आप एक तस्बीह निकालो और वो तस्बीह निकालो या रहमान या रहीम। इबादत करने से पहले आप तस्बीह निकालो या रहमान या रहीम, बराबर 101 दाना। और तस्बीह के बाद मौला को कहो, या मौला कल मेरे को ये चीज सामने आई, कल मेरे को ये अनुभव हुआ, मुझे समझ नहीं आई, तू रहीम और रहमान बादशाह मेरे पर रहम करके मुझको इस चीज की समझ दे। एक दिन दो दिन चार दिन रोज दुआ मांगते रहो, आपको इमाम की तरफ से अंदर से उस चीज की समझ आएगी। ये भी मुमकिन है कि आपको नींदर में कोई ऐसा सपना आ जावे कि उस चीज का खुलासा आपको सपने में मिल जाए। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में अपनी वही के तरीके बताए हैं, उनमें सपना भी लिया है। अल्लाह ने फरमाया है कि नबियों को जो सपने आते हैं वो भी एक किस्म की मेरी वही है। मारा साचा गदा के
जागृति पैदा होती है, हिम्मत बढ़ती है, इल्म मिलता है। और जब इंसान को समझ आती है, इल्म मिलता है, तो बहुत सी उसकी मुश्किलें हल हो जाती हैं। इबादत इल्म से भरी हुई है, लेकिन इबादत में जो सबसे बड़ी चीज काम करती है वो हमारा ईमान, और ईमान में से प्रेम पैदा होता है। प्रेम पैदा करने का तरीका क्या? एक दफा मिशनरियों की मेहमानी में किसी मिशनरी ने मौला को अर्ज की कि खुदावंद, आपका एक फरमान है कि ईमान दो बातों पे टिका है, इतने दो बातों के ऊपर ईमान का आधार है, एक तो दुआ, दूसरी दसवंद। मौला फरमाया कि सच बात है। अर्ज की के खुदावंद, इन दो बातों के ऊपर ईमान टिका है तो ईमान के ऊपर और कौन सी चीज का आधार है? मौला फरमाया वो प्रेम है। प्रेम का आधार ईमान पर है, ईमान का आधार दुआ और दसवंद पर है। यानी ईमान जो है उसमें से प्रेम पैदा होता है। अगर हमारा ईमान कमजोर है, अगर ईमान के अंदर ताकत नहीं, ईमान में वसवसा शंका है, तो उस आदमी के दिल में प्रेम पैदा नहीं होता। जब ईमान कामिल होता है, ईमान जब संपूर्ण होता है, तो प्रेम पैदा होता है। और प्रेम वही सब कुछ है। प्रेम एक दफा हो गए तो फिर अकल की जरूरत नहीं रहती। सतगुरु कह रहे प्रेम भक्ति तोरे देवसे, भक्ति जीव की है, याली याली पीरशा पीरशा। एक भक्ति ख्याल की है, जैसे कि हमारा बैतुल ख्याल। लेकिन जो प्रेम की भक्ति है वो हृदय में बसती है। अने अंतराल है लगाए, और अंतर में उसकी लय लगती है, धुन लगती है। सतगुरु कह रहे प्रेम भक्ति तो हृदय वसे, अने अंतर लगाए, सास उसास आराधी जाए। इस तरह से सासु सास, यहां सासु सास का मतलब 24 घंटे हर सांस पे वो इस तरह से मौला को याद करता है कि खुद उसका कान भी सुनता नहीं। यानी मन के अंदर एक लय लगती है, एक धुन लग जाती है,
और वो 24 घंटे हर श्वास पे, ये नहीं कि सिर्फ 4 और 5 बजे के अंदर, हर श्वास पे वो इमाम की याद में मस्त रहता है। ये जो ख्याल की भक्ति है, इसके लिए एक टाइम नकी है, 4 और 5 बजे के बीच में इबादत करने के लिए बैठक करो। मगर जब प्रेम पैदा होएगा तो आप दुनिया का कोई भी काम करोगे, बात करोगे, लिखोगे, वांचोगे, तो आपकी वो जाप की चीज चालू रहेगी। इमाम ने यूं तो मना किया है कि 4 और 5 बजे के सिवा बैठक नहीं करना, लेकिन मोमिनों, एक ऐसा दर्जा आएगा, सबके साथ ये चीज नहीं बनती, लेकिन इबादत करने के अमुक बरस के पीछे जब इमाम की खुशी होती है, जब इंसान इबादत में आगे बढ़ता है, उसके दिल में प्रेम पैदा होता है, और प्रेम तभी होवे कि जब उसका ईमान बिल्कुल मजबूत होवे, और ईमान मजबूत नहीं होता जब तक के 3 वक्त की दुआ बराबर नहीं होवे, 10 मन बराबर नहीं होवे। इस 3 चीजों के अंदर, यानी जमात खाने की हाजिरी जो दुआ के साथ मिली हुई है, मैं जब भी बात करता हूँ कि 3 वक्त की दुआ पढ़ी जाए, तो हजर इमाम के इस फरमान के ऊपर ये है कि वो दुआ जमात के साथ पढ़ी जाए। जमात खाने की हाजिरी जरूरी है। इंसान कहीं काम काज में मुसाफरी पे है तो उसको ये छूट है कि जिधर होवे दुआ पढ़े, लेकिन जमात खाने की हाजिरी होनी चाहिए। तो जमात खाने की हाजिरी, 3 वक्त की दुआ और 4 दस्तूर, अगर ये 3 चीजें नहीं होंगी, ईमान ऊंचा नहीं चढ़ेगा। ईमान अगर पूरा नहीं होगा तो प्रेम पैदा नहीं होएगा। जब भी प्रेम होएगा तो इंसान के दिल के अंदर प्रेम का रैठान हृदय में है, तो 24 घंटे हर श्वास के ऊपर वो अपने मौला को याद करता रहेगा। ए सखी रोमे रोम के लागा जपवारे, ए सखी सगरा रोमे रोम के लागा जपवारे, प्यारे सगड़ा घटना चोर लागा छिपवारे। शरीर में 8 करोड़ एटले 3.5 करोड़ रोम है। 3.5 करोड़ रोम, 3.5 करोड़ रोम हमारे बदन में है। जब इंसान को प्रेम की लहर उठती है, जब वो प्रेम की लय लगाता है, उसका ईमान पूरा होता है, उसकी 10 वंद बराबर होती है, उसकी दुआ बंदगी ठीक होती है, आमाल उसके पाक होते हैं, मन की इच्छा, वाचा और कर्मना, ये 3 चीजें बराबर होती हैं, तो उस आदमी के 3.5 करोड़ रोम हजर इमाम का जाप जपते हैं। जो जाप हम बैतुल ख्याल की इबादत में, ख्याल में जपते हैं, वो 3.5 करोड़ रोम वो जाप जपते हैं। मनचा वाचा कर्मना,
मन से, वाचा से और हाथ से. कर्म कहते कर्म इन हाथ, कर्म ना हाथ से किया हुआ काम. जब हमारे अमल, जब हमारे कर्तव्य इस पाक जगह के ऊपर मंजूरी के लायक बनेंगे और वो पाक जगह इमाम का दरबार, हजर इमाम के हुजूर में जब हमारी मन की इच्छा पवित्र होएगी, हमारी वाचा सच्ची होएगी, हमारे कर्म अच्छे होएंगे, तो इमाम राजी होएगा. वगरना इसके बगैर एक गधा एक गधेड़ा धूड़ मट्टी के अंदर लोट पोट होता है, इस तरह से उस इंसान की हालत है जिसकी ये तीन बातें सलामत नहीं, जिसके अमल अच्छे नहीं, जिसके कर्म पवित्र नहीं, जिसके विचार और वाचा और काम अच्छे नहीं, उसकी दुआ बंदगी में फायदा नहीं. मौलाना राम ने रावण को मारा, लंका बर्बाद कर दी, अपने भाई लक्ष्मण और अपनी बेगम सती सीता के साथ एरोप्लेन में बैठ के अयोध्या आए. उस जमाने में एरोप्लेन थे. आप रामायण कभी पढ़ो, दुनिया के हर मजहब की किताब पढ़ो, इस ख्याल और नजर से पढ़ो कि मेरा मजहब उसके अंदर है. क्योंकि हमारा जो इस्माइली सतपंथ मजहब है ये रसूलुल्लाह से 1400 बरस से नहीं चला. बैतुल ख्याल की इबादत है, ये भी कोई नई चीज नहीं. नबी से पहले ईसा नबी थे, उस वक्त भी अपना सतपंथ दीन था. ईसा के पहले सुलेमान और दाऊद नबी थे, उस वक्त भी सतपंथ था. इब्राहिम नबी के वक्त में सत्यपंथ था. नूह नबी के जमाने में ये सतपंथ था. और इसके भी पहले आदम के जमाने में और आदम से पहले, यानी आदम से पहले भी दुनिया थी. गुरपी सदरदीन माँ बाप सलवातुल्ला अलैहि ने फरमाया है कि ऐसे 8 करोड़ आदम हुए, ब्रह्मा यानी आदम. लेकिन जब ये ब्रह्मा का मतलब आदम करता हूं तो इंसान जात नहीं, मगर वो आदम जिसके पास नबुवत का नूर था. जैसे कि फिर सदरदीन, जैसे कि हजरत नबी ईसा, नबी मूसा, नबी मोहम्मद, ये जो नबुवत का नूर है ये आदम जो छेला आदम हुआ, छेला आदम, इसके पहले हजारों लाखों आदम हुए. तो छेले आदम के पहले हमारे दूसरे इमामों के जो अवतार थे वो मौजूद थे. रामायण वो चौपड़ी है कि जिसके अंदर मौलाना राम की बातें हैं. ये शास्त्र हिंदुओं का है और हम हिंदू नहीं, हम तो मुसलमान हैं और सतपंथी मुसलमान हैं. जिस तरह कुरान के अंदर यहूदियों की बातें हैं, मजूसियों की बातें हैं, पारसियों की बातें हैं, क्रिश्चियनों की बातें हैं और भी दूसरे काफरों की और मोमिनों की बातें हैं, हमारे गिनानों के अंदर भी पर कौम और पर मजहब की बातें हैं. अगर यहूदी मुसलमान नहीं है, क्रिश्चियन मुसलमान नहीं है, तो कुरान के अंदर खुदा ने उनकी बातें क्यों की? ऐसा कोई लाजिम नहीं है कि एक ही मजहब की बातें होंगे. और ये भी नहीं है दीनदारों के खुदा सिर्फ हमारा है, सारे जहान का है. हजर इमाम हमारा ही नहीं है, ये हिंदू मुसलमान सर्वे साहेब ना जीवड़ा, शनाख्त नहीं है उनको. इसके लिए उनको ये मालूम नहीं
کہ جب بھی وہ بھکتی کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں تو وہ حضر امام کے پاس آتی ہے. یہ علم ان کو نہیں اور ہم کو پیروں نے یہ شناخت بتائی کہ چود بھمن تنو اے دھنی. اس لیے ہم جب اپنے مولا کو دیکھتے ہیں تو ہم جدی درشتی سے دیکھتے ہیں, ہم اس کو اپنا مالک سمجھ کے اس کی بھکتی بھاو کرتے ہیں. تو مولانا رام جب ایودھیا میں اپنی راجدھانی میں واپس آئے, دیپ مالا ہوئی دیوالی, اس دن کا پرسنگ ہے کہ وہ جیت کے آئے اور خوشی کی عید کی. جس طرح ابراہیم نبی نے خدا کے حکم سے قربانی کرنے کے اندر سفلتا پائی تو خوشی سے عید کی, جو ہم عید قربان کرتے ہیں, بڑی عید, حج کی عید کہتے ہیں اس کو. تو دیوالی عید کا دن تھا. مولانا رام نے فرمایا خوشی کرو. سارا گام سجایا گیا, لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے, خوشیاں منائی. مولانا رام نے دربار بھرا اور دربار کے اندر جن جن لوگوں نے جدی جدی سیوا کی تھی ان کو سیوا کے حساب سے انعام دیے, بخششیں دی. کسی کو ٹائٹل دیے, کسی کو جبہ دیا, کسی کو پگڑی دی, کسی کو سونے کی چیزیں دی, کسی کو چاندی کی چیزیں دی, سب کو نوازا. مولانا رام کا ایک بھگت تھا جس کو ہنومان کہتے ہیں. ہنمنت پچھات آدمی تھا, بہت سے لوگ اس کو واندرا سمجھتے ہیں, مگر وہ پچھات تھا, پورا انسان نہ تھا, ایبومینل مین کی طرح تھا. اس کے آنکھیں شریر کے اوپر ریچھ کی طرح بال تھے. وہ پیچھے کھڑا تھا, وہ سچا پریمی تھا. مولانا رام نے سب کو کچھ دیا. جب ہنمنت کے اوپر نظر پہنچی تو اس کو سامنے بلایا. اس نے اس یدھ میں بہت سیوا کی تھی, بہت سیوا کی تھی. جب ہی سامنے آیا تو پریم کے جوش میں کھڑا نہ رہ سکا. آپ کے باندرے کے مکھی صاحب مولا کے پاؤں میں گر گئے, ہنومان مولا کے پاؤں میں گر گیا. خوشی کے مارے آنکھوں میں سے آنسو آ گئے. مولانا رام نے جھک کے اس کو اٹھایا, ہنومان مہاراج ہم تم کو کیا دیں, تیری سیوا اتنی بڑی ہے, ہم تمہارے پہ بہت راضی ہیں, مانگو کیا چاہیے. کہتے مولا کچھ مانگنے کی بات نہیں, مجھے کوئی ضرورت نہیں, نہیں تیری سیوا سب سے بڑی ہوئی ہے. خوش ہو کے مولانا رام کے گلے میں موتیوں کی مالا تھی, وہ نکال کے اس کے گردن میں ڈال دی. اس مالا کے اوپر مولانا رام کا جو پرائم منسٹر تھا, جو بڑا پردھان تھا, اس کی نظر اس مالا کے اوپر تھی کہ مولا راضی ہو کے یہ مالا مجھے دے دے. مگر جب وہ ہنومان کو ملی اس کا دل بیٹھ گیا, اس کے دل میں حسد ہوا, اس بندر کو ایسی قیمتی چیز دے دی, یہ اس کے لائق نہیں. اس کی بڑائی موٹائی ابھیمان کے کارن سے دل میں حسد پیدا ہوا, مگر مولا کے سامنے کوئی بول نہیں سکتا. دربار برخاست ہوا, سب لوگ خوشی خوشی انعام لے کے, گفٹ لے کے, بخششیں لے کے اپنے اپنے گھر کو گئے. ہنومان مالا گلے میں ڈالی ہوئی ہے, ندی کے کنارے پہ گیا, مالا نکال کے دیکھنے لگا. کروڑوں شلنگ کی قیمتی مالا میرے کس کام کی. ناک پہ لگایا,
سونگنے لگا، کانوں کے پاس رکھا، ایک آدمی اس کو دیکھتا تھا اور اس کی ایسی حرکتیں دیکھتا تھا کہ اس مالا کو کبھی ناک پہ لگاتا ہے، کانوں پہ لگاتا ہے، دانت کے نیچے چباتا ہے، بہت دیر تک کھیلتا رہا، مالا توڑ ڈالی، ایک موتی نکلا، اس کے چھید میں دیکھنے لگا، کان پہ لگایا، ناک پہ لگایا، منہ میں دیکھا، دانت کے نیچے رکھ کے توڑ ڈالا، پھر دیکھا ندی میں پھینک دیا، دوسرا موتی نکالا، اس کو بھی اسی طرح سے ٹیسٹ کیا، دانت کے نیچے توڑ کے دیکھا پھینک دیا، ساری موتیوں کی مالا توڑ توڑ کے موتی ندی میں پھینک دیے، ہاتھ صاف کر کے اٹھ کے چلا گیا۔ اس آدمی کو بھی بڑا جلاپا ہوا، ایسی قیمتی چیز برباد کر دی، بھاگا بھاگا پرائم منسٹر کے پاس گیا، بڑے پردھان کو بولا، غضب ہو گیا، اس مالا کو اس بندر نے توڑ توڑ کے پھینک دیا، کیا بولتے ہو؟ ہاں صاحب، آؤ میرے ساتھ، مالا کا جو ڈورا ہے دیکھو ادھر ندی کے کنارے پہ پڑا ہے۔ آیا، دیکھا تو ندی کے کنارے پہ مالا کا ڈورا پڑا ہے اور ایک آدھ موتی کا ٹکڑا باہر بھی گرا ہے۔ ڈورا اٹھا کے کھیسے میں ڈالا، دوسرا دن دربار بھرا، مولا نے تو کھڑا ہوا، کہتے سرکار مجھے ایک عرض کرنی ہے۔ کیا ہے؟ یہ دیکھو، تم نے ایسی قیمتی مالا اس بندر مورکھ کو دی، مولا اس نے تو توڑ توڑ کے موتی ندی میں پھینک دی۔ اچھا، ایسا کیا اس نے؟ ہم صاحب، ہنومان کو بلایا، گلے میں دیکھا تو مالا نہیں تھی، ارے ہنومان مالا کدھر ہے؟ سرکار توڑ کے پھینک دی۔ ارے کیوں؟ بس پھینک دی، مولا نے ایک تماچا مارا اس کو، آنکھیں بھرے دربار میں غصے میں ایک تماچا لگایا، منہ نیچا کر کے کھڑا رہا، بولتے کیوں نہیں؟ تم نے کیوں توڑی؟ سرکار میں نے وہ مالا لی، مجھے ایسا ہوا کہ میرے رام کا اس میں نام ہوئے گا، میں نے سننا چاہا، اس میں آپ کی آواز نہیں آئی، میں نے سوچا اس کے اندر رام ہوئے گا، تو دیکھنے کے لیے توڑا تو اندر کچھ نہیں تھا، میں نے سمجھا شاید میں سنوں تو میرے رام کی باس آوے، کچھ نہیں تھا، مولا اس کو چاٹا کہ تیرا سواد آوے، تو بھی کچھ نہیں تھا، اس موتی کو کیا کروں، میں نے پھینک دیا۔ سب موتی دیکھے مولا، اس میں تو تو کہیں کھا ہی نہیں، تو میرے کس کام کیے؟ پھر ایک تماچا لگایا، مورکھ ایسی قیمتی چیز تجھے دی؟ اس وقت وہ غصے میں آیا، غصہ تو مولا کے سامنے کیا کرے گا، جوش میں آیا، اپنی چھاتی پہ سے ایک بال توڑ کے مولا کو کہتا ہے، مولا سن، تو خود مولا اس کے بال کو کان پہ لگاتے ہیں، آواز آتی ہے، رام رام رام، وہ رام کا وارا تھا، یہ علی کا وارا ہے، اس وقت رام کے اندر امامت کا نور تھا، آج علی کے اندر امامت کا نور ہے، اس زمانے کا یہ جھانپ تھا۔ مولانا رام نے وہ بال پرائم منسٹر کو دیا، اس نے کان پہ لگایا تو رام کی آواز آتی تھی، اے سکھی سگڑا روم روم، 3,50,00,000 روم ہمارے شریر میں جو ہے، اس ایک ایک روم کے اندر سے اس مولانا حضر امام کا نام کا جاپ جپا جاتا ہے، اور گھٹ کے چور بھاگ جاتے ہیں۔ چور کا مطلب کیا؟ بدیاں برائیاں، چور کا مطلب گناہ کے کام، ایسے وچار جو خراب کام ہیں وہ ہمارے دل میں سے نکل جاتے ہیں، من پوتر ہو جاتا ہے، منشا واچا کرمنا، اگر عبادت کرنی ہے، اگر عبادت کا شوق ہے، عبادت میں آگے بڑھنا چاہتے ہو دینداروں،
اپنے اعمال پاک کرو، بہت آسان ہو جائے گا۔ اپنے اعمال پاک بناؤ۔ ہم اسماعیلی ہیں، مولا فرماتا ہے کہ میرے روحانی بچے ایسے ہیں، ایسے ہونے چاہیے کہ جیسے فرشتے ہوتے ہیں، جس طرح فرشتے گناہ نہیں کرتے ہمیں اس طرح گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر روز امام سے مدد مانگو۔ دنیا بڑی خراب ہے، شیطان کا بڑا زور ہے، اس سے بچنے کے لیے امام کی شکتی ہم کو چاہیے۔ یا مولا تو رحم کر کے، دیا کر کے مجھے گناہوں سے بچانا۔ ہر روز اس بات کے لیے عاجزی کرو، گناہ سے بچنے کی مولا سے مدد مانگو۔ انتر صاف ہوئے گا، پریم پیدا ہوئے گا، ایمان پورا ہوئے گا، دسوند پوری ہوئے گی، دعا ہماری برابر ہوئے گی، جماعت خانے کی حاضری ہماری برابر ہوئے گی۔ ہم انسان ہیں، 100% کداچ نہیں بن سکتا، کیونکہ 100% سمپورنتا صرف امام کے پاس ہے، ہماری کوئی طاقت نہیں۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ مومن جان بوجھ کے گناہ نہیں کرتا، مومن کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ کبھی اچھو کھوج بھول ہو جاوے، کبھی اس سے بھول سے کوئی گناہ ہو جاوے تو وہ پچھتاوا کرتا ہے، لیکن جان بوجھ کے مومن گناہ نہیں کرتا۔ ہمارا من پاک ہوئے، ہماری واچا اچھی ہوئے، یعنی جھوٹ نہ بولیں، کسی کو مکھ مار نہ ماریں۔ مکھ مار سے مطلب شراب دینا، بد دعا کرنا، گالی دینا، بھونڈے شبد منہ سے نکالنا۔ اور ہماری جیب کے اوپر امام کا نام ہوئے، ذکر خداوند عالمین کا ہوئے، اور ہمارے ہاتھ کے کام اچھے ہوئے، چوری، بدماشی، ناحق کی چیز، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبادت کرو، اور عبادت میں آپ کو جتنا ہمارا من صاف ہوئے گا اتنی اس کے اندر پالش زیادہ ہوئے گی۔ امام ہمارے اندر ہے، دور نہیں، لیکن اس کے اور ہمارے بیچ میں ایک پردہ ہے، ہمیں یہ پردہ اٹھا دینا ہے۔ منیور جانی نے پردہ کھولیا۔ پردہ کا مطلب بھید، اور بھید کھلتا ہے جب امام ہم پہ راضی ہوتا ہے۔ صبح کی عبادت کے علاوہ آکھا دن صلوات پڑھو، یالی کا نام لو، بہت سے نام ہیں حضر امام کے، اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، یا رحیم یا رحمان پڑھو، یا علی یا علی کرو، بہت سی چیزیں ہیں۔ صبح کی جو چار تسبیحاں ہیں وہ بھی بڑے غضب کی ہیں، صرف اللہ اللہ کرو، یا وہاب کہو، مولا کے پاس سے بخشش مانگنے کے لیے وہاب کی تسبیح بڑے کام کی چیز ہے۔ وہاب کا مطلب حساب بغیر بخشش دینے والا، بخشش دینے والا مگر حساب بغیر، اس کو وہاب کہتے ہیں۔ ایسے بہت سے نام ہیں، پیر شاہ کا جاپ کرو، لیکن سارا دن، سارا دن ساس و ساس اس مولا کو یاد کرو۔ اے سوتے بیٹھے بھائی راہ چلن تے، نام صاحب جی کا لیجیے جی۔ سوتے بیٹھے راہ چلن تے، ہر وقت اس امام کے ذکر میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ فرمایا ہے قرآن میں کہ خوب ذکر کرو، ذکر کرنے سے تمہارے دل کو تسلی ہوگی، ذکر کرنے سے تمہارے دل میں خوشی ہوگی، ذکر کرنے سے دکھ دور ہو جائیں گے، غم پاس نہیں آئیں گے۔
حضرت امام فرمایا کہ یہ جو صبح کی بندگی ہے وہ تم کو ایسی طاقت دے گی کہ جیون کی تکلیفوں کے اندر جو مشکلیں اور کوئڑے آتے ہیں ان کو سولو کرنے اور ان کا سامنا کرنے کی تمہارے میں شکتی آئے گی. جیون دکھوں سے بھرا ہے, ہمارے جیون میں بہت سی پرابلمز ہیں. ہمیں دنیا میں رہنا ہے, بال بچوں کو چھوڑ کے, بزنس روزگار کو چھوڑ کے ہمیں جنگل میں جا کے عبادت نہیں کرنی, ہمارے مذہب میں یہ اجازت نہیں. روزگار کرو, بال بچوں کا دھیان رکھو, کپڑے اچھے پہنو, مگر سب کام اس طرح کرو کہ مغروری نہ ہوئے, گناہ نہ ہوئے. اچھا کھانا کھاؤ, کبھی کبھی من کی موج شوق کے لیے ایسے موج شوق کے سادھن جو ہیں دنیا کے اندر بنے ہوئے, جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ نردوش رمت گمت, نردوش ایسی رمت گمت, ایسا کھیل تماشا جس میں دوش نہیں, ہمارے مذہب میں جائز ہے. کبھی فلم گئے, کبھی تماشے گئے, یارو دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے دو چار کچھ گپے بھی ماری, مگر ان میں گناہ نہیں ہوئے. ایسے کام کرو کہ جس میں گناہ نہیں ہوئے. ہنسو, کھیلو, خوشی رہو, کھاؤ پیو, ہیرو پھیرو, دنیا دیکھو, لیکن گناہ نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی کوئی کام کرو تو اس کو ٹیسٹ کر لو کہ یہ کام کرنے سے میرا ایمان تو خراب نہیں ہوتا, یہ کام کرنے سے میری آبرو تو نہیں بگڑتی, یہ کام کرنے سے میری تندرستی تو خراب نہیں ہوتی. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہوتی, کوئی بھی کام کرنے سے تندرستی نہیں بگڑتی, آبرو نہیں بگڑتی, ایمان نہیں بگڑتا, وہ کام کرو, موج کرو. اگر مومن اس طرح سے اس دنیا کے اندر رہے اس لیے کہ امام نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے, ہمارے اوپر فرض ڈالی ہے, بیوی بچوں کی, گھر بار کی, مات پتا کی سیوا کی, جماعت کی سیوا کی, روزگار بھی کرنا ہے, کھانے پینے کے لیے رزق بھی چاہیے, یہ سب باتیں کریں. دنیا ماں سرسو رہے یعنی اونچا, اور من ماری پاس ہے. ہمیں دنیا کے اندر مسکین اور غریب حالت میں رہنے کے لیے اماموں نے کبھی نہیں فرمایا. حضرت امام کا ایک فرمان ہے جو صاحب نے 10 برس پہلے کریم آباد کے اندر کیا تھا, بیت الخیال کی مہمانی اور بول لیتے وقت مولا نے کریم آباد کے اندر 10 برس پہلے, 67 کی بات کرتا ہوں, میں حاضر تھا. مبعوث فرمایا اخوان الصفا, اخوان الصفا نے جو رستہ لیا ہم نے وہ رستہ نہیں لیا. اخوان الصفا پاک بھائی, اخوان کا مطلب ہے بھائی, اخو کا مطلب محبت ہوتی ہے, اور بھائی ایک سنگل بھائی کو بھی کہتے ہیں, لیکن اخوان بہو وچن ہے, پلورل ہے. صفا کہتے ہیں پوتر, پوتر بھائیوں کی ایک ٹوڑی تھی, وہ لوگ اسماعیلی تھے. انہوں نے اپنے مذہب کے اندر سے یہ چیز نکالی کہ صرف عبادت کے لیے ہی انسان پیدا ہوا ہے اور دنیا کے کام کاج کی ضرورت نہیں, تو ان لوگوں نے دنیا چھوڑ دی, کام کاج چھوڑ دیا, بیوی بچے چھوڑ دیے, گھر بار چھوڑ دیا, سادھو مہاتماؤں کی طرح موکس کی طرح بن گئے. پھر تو ان کے ساتھ اور بھی غیر قوم کے لوگ شامل ہو گئے, اور اس طرح یہ ٹوڑی اسماعیلی مذہب سے ہٹ گئی, کیونکہ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر اپنی ڈیوٹی اور فرض کو بھی پورا کرو. ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ بزنس روزگار بند کر کے 24 گھنٹے عبادت کرو, ہمارے مذہب نے منع کیا ہے کہ تم گھر بار چھوڑ کے جماعت خانے کے اندر ہی بیٹھو اور بندگی ہی کرتے رہو, ہمارا مذہب ایسا نہیں کہتا. دنیا کے اندر دنیا کی ڈیوٹی پوری کرو, مات
पिता हैं उनका ध्यान करो, सेवा करो। बीवी बच्चे हैं उनका ध्यान करो, उनका पालन पोषण करो। कुटुंब कबीला है, सगे हैं, सबके साथ सुमेल रखो, सबके साथ मोहब्बत रखो, और सबके साथ तुम्हारी अगर जो फर्ज और ड्यूटी है उसको पूरा करो। उसके लिए बिजनेस करो, पैसा करो, कमाओ, पैसे वाले बनो, मोटर में फिरो, बंगला रखो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाना खाओ, दुनिया के अंदर राज की तरह रहो, लेकिन दिल मौला के चरणों में उसका भिखारी बन के रहे। ये इख्वानु सफा हमारे मजहब से एक टोड़ी ऐसी जुदा हो गई, फिर बाद में और बहुत से लोग भी इसमें शामिल हो गए, और इमाम फरमाया हमने इख्वानु सफा का रास्ता नहीं लिया। वो लोग सफेद खादी के कपड़े पहनते थे, सीरिया, सलमिया, ईरान, मिडल ईस्ट के अंदर जब दिसंबर, जनवरी, नवंबर से फरवरी तक के ये जो चार महीने होते हैं, इतनी ठंडी होती है कि बात छोड़ दो, मगर ये लोग उस जमाने के अंदर भी सफेद खादी का कपड़ा ही पहनते थे, और वह भी एक ही कपड़ा। इख्वानु सफा सफेद रंग का एक ही कपड़ा पहनते थे, लंबा डगला कमीज बनाते थे, शर्ट बनाते थे, पांव तलक की एक ही कपड़ा पहनते थे, जमीन पे सोते थे, चटाई भी नहीं, मिट्टी में सोना, यानी बहुत से इंडिया के साधुओं की तरह बन गए थे। हमारे इमामों ने इस रास्ते में जाने के लिए अपने मुरीदों को मना किया, क्योंकि यह हमारा रास्ता नहीं। इख्वानु सफा की चौपड़ियां जुदी चीज है, क्योंकि इधर कोई आदमी ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिन्होंने कभी ये चीज पढ़ी होगी। इख्वानु सफा की चौपड़ियां मौलाना इमाम वफी अहमद अलैहिस्सलाम की इमामत के दरमियान हुई, वो चौपड़ियों का नाम भी इख्वानु सफा है, और ये जो इख्वानु सफा की टोड़ी थी ये जुदी चीज है। वो चौपड़ियां इस्माइली रसाइल हैं, उसके अंदर इस्माइली मजहब की बातें हैं। तो ये इख्वानु सफा हमारे मजहब में से छूटे होके सूफी साधु बन गए। हमारे इमाम ने फरमाया कि ये रास्ता हमारा नहीं, दुनिया में रहो, दुनिया का कामकाज करो, मगर हर वक्त मौला को याद करते रहो। दुनिया के कामकाज करते वक्त भी अंतर में मौला का जाप चालू होवे, याली याली करो, पिरशा पिरशा करो, सलवात पढ़ो, अल्लाह अल्लाह करो, या वहाब कहो, या गफूर कहो, या रहीम कहो, हजारों नाम है अपने मौला के, उसको याद करते रहो। परोड़िए 4 बजे आके इबादत करो, सारे दिन की आपकी वो जो जिक्र बंदगी होगी वो रात को आपको काम आएगी, परोड़िए 4 बजे काम आएगी, क्योंकि दिल साफ होता रहा है, उसको रगड़ते रहो। दुनिया की कोई भी पॉलिश करने की जो रीत है तो वो रगड़ने की है। पत्थर को पॉलिश करना होवे तो पॉलिश वाले पत्थर से पत्थर को रगड़ा जाता है, लोखंड को रगड़ने के लिए रेती कानस होती है, फिर उसके ऊपर भी उसको बफ देने के लिए रगड़ते हैं, मतलब के दुखी करते हैं, मतलब के मेहनत करते हैं। जिक्र करने से हमारा आत्मा वो तो पवित्र है ही, लेकिन मन पॉलिश होता है। हम जिस तरह चीजों को प्रेस करते हैं, साफ करते हैं, आईने की तरह क्लीन करते हैं, पॉलिश करते हैं, उसमें से हमें अपनी सूरत दिखती है, ऐसा अपने मन को पाक किया जाए तो इमाम की इबादत कामिल होती है। इमाम बख्शिशें देता है और उसकी रहमत से इंसान उसके नजदीक आता है। एक दिन मौत आती है तो मौला के नूर के साथ मिल जाता है। ये हमारा एम है, इबादत का जो एम है तो दीनदारों हाजिर इमाम के नूर में फना होना है। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, अपनी मारिफत अता करे।